हाउस को चलाना ये दायित्व रूलिंग पार्टी का होता है, लेकिन पहली बार मैं देख रही हूँ कि सबसे पहले रूलिंग पार्टी ने उठ के ही कल हंगामा शुरू किया। ऑपोजिशन तो करती है, उनके तो मुद्दे होते हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी हंगामा करने लग जाएगी तो हम जो लोगों के मुद्दे उठाना चाहते हैं हम कहाँ जाएं? बिकॉज जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, बेरोजगार नौजवान है, राहुल गांधी ने क्या बोला क्या नहीं बोला उसको कोई परवाह नहीं है। अडानी ने क्या किया क्या नहीं किया, जेपीसी बनी नहीं बनी, उसको तो अपने पेट की पड़ी हुई है। किसान धरने पे बैठा हुआ है, बेरोजगार नौजवान, हमारा पंजाब के हालात इतने बिगड़ रहे हैं, हमको इतने जरूरी मुद्दे उठाने हैं, तो हम लोग कहाँ जाएं जब विपक्ष और पक्ष सत्ताधारी पार्टी जब यही हंगामा कर रही है, तो हम लोग कहाँ जाएं? मैम, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अमृतपाल वाला केस भी देखते हैं कि लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ भगवान मान कहीं ना कहीं दौरे पे, आज जैसे मध्य प्रदेश के दौरे पे। देखिए, यही तो हैरानी की बात है, वही तो मैं कह रही कि इतने जरूरी मुद्दे उठाने हैं। एक इंसान जो पंजाब में 6 महीने पहले आया, जो विदेश में कोई और सूरत लेके घूमता था, पंजाब में आके एकदम अमृतधारी बन के अपने आप को एक ऐसा कल्ट फिगर बन गया कि उसने जाके एक थाने के ऊपर कब्जा किया, पुलिस के सिर पाड़े, अपना आदमी छुटा के ले गए, और ये सब गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिसको गुरुद्वारों से बाहर निकालना मना है उनके एक शील्ड बना के। और हैरानी की बात है, ना तो गुरु ग्रंथ साहब जी की निरादरी या बेअदबी का पर्चा उनके ऊपर दर्ज हुआ, ना पुलिस के थाने के ऊपर कब्जा करने का पर्चा दर्ज हुआ, ना पुलिस के सिर पाड़ने का पर्चा आज तक दर्ज हुआ। 3 हफ्ते हो गए, अपने आप को वो कहता मैं तो हिंदुस्तानी अपने आप को मानता ही नहीं, होम मिनिस्टर को वो थ्रेटन कर रहा है, हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात वो कर रहा है। आज क्या कारण है कि केंद्र और राज्य की दोनों की सरकारें ये पंजाब का माहौल को बिगड़ते हुए देख रही हैं, लेकिन कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर रही? और भगवंत मान से जरूर मैं जानना चाहूंगी कि उनकी क्या मजबूरी है, क्योंकि राज्य सरकार, लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले तो आपका फर्ज बनता है। जिस दिन अजनाले में यह हिंसा का घटना हुई, उस दिन आप जाके महाराष्ट्र में केजरीवाल को जहाज में झूठे डला के महाराष्ट्र की मीडिया को बोल रहे थे पंजाब में कोई इशू नहीं है, और अब पंजाब के हालात इतने बिगड़ गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इतना बुरा हाल हो गया है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि किसी का चेन, किसी के कांटे, किसी का मोबाइल भरे चौक में पुलिस के सामने, किसी का कत्ल, रोज रैंसम कॉल्स, इंडस्ट्री छोड़ के भाग रही है पंजाब से, नौजवान बच्चे पंजाब छोड़ के जा रहे हैं, और आप मध्य प्रदेश बैठे हैं, कभी महाराष्ट्र जहां इलेक्शन है आप वहां पे बैठे, तो पंजाब को कौन चला रहा है? पंजाब आज कर्जाई हो रहा है, पंजाब में इंडस्ट्री नहीं, पंजाब में बेरोजगारी, नशे इतने कि 50% पंजाब को आपने BSF के हवाले कर दिया, लेकिन ड्रोन के राही हर रोज बॉर्डर के पार से वेपन्स भी आ रहे हैं और नशे भी आ रहे हैं। ना केंद्र रोक रहा है और ना राज्य की सरकार, राज्य की सरकार भगवंत मान को तो समय नहीं है पंजाब के लिए। सो पंजाब लावारिस है, कोई सरकार नहीं है, केजरीवाल की आम आदमी की सरकार पंजाब का पैसा चूस के लूट के वहां पे लोगों, गरीबों के कार्ड काटे जा रहे हैं, राशन के कार्ड काटे गए हैं, सारी जो बादल साहब के टाइम में उनको सहूलतें मिली थी वो सहूलतें, शगन हो, पेंशन सब बंद कर दिया गया है, डेवलपमेंट का एक पैसा नहीं आ रहा है, और कर्जे के ऊपर कर्जा लेके कांग्रेस ने पहले कर्जा लेके और अब आम आदमी पार्टी ने एक साल में 42,000 करोड़ का कर्जा लेके पंजाब को लाचार ही नहीं, पंजाब की कमर तोड़ी जा रही है।